कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री और विशेष करके रक्षा राज्य मंत्री सम्माननीय संजय सेठ जी, हमारे कारगिल के वेटरन और जिन्होंने कारगिल में युद्ध में भाग लिया, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नैन जी, हमारे कर्नल वी एन थापर जी, मिसेस वृंदा थापर जी, कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी, कर्नल गोपाल जी और यहाँ उपस्थित हमारे कारगिल से जुड़े हुए और भारत के रक्षा से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स, हमारे वेटरन्स और जिन्होंने अपना जीवन भारत की रक्षा के लिए लगाया, ऐसे हमारे सभी सम्माननीय सज्जन वृंद और मेरे मित्र और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग, यह हम सबका आज सौभाग्य है कि जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी सदा की तरह नहीं सिर्फ अपने राष्ट्रीय कार्यालय में, नहीं सिर्फ अपने प्रदेश के कार्यालय में, बल्कि हर जिले में कारगिल विजय दिवस मनाकर भारत की रक्षा के साथ और भारत के फौज के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अपने जिले में, अपने इलाके में अपने फौजी भाइयों के साथ, देश के रक्षकों के साथ, जांबाज शूरवीरों के साथ आज ये गर्व के साथ कारगिल दिवस मना रहा है और कारगिल विजय दिवस मना रहा है। हम सबके लिए यह दिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम 26 जुलाई को यह हम रजत जयंती के रूप में 25वां विजय दिवस मना रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज से 25 साल पहले यह विजय हमने हासिल की थी और यह विजय सिर्फ कोई टाइगर हिल की विजय नहीं थी, यह विजय सिर्फ कोई द्रास सेक्टर की विजय नहीं थी, यह विजय किसी पहाड़ी पर तिरंगा झंडा की जीत नहीं थी, यह भारत के शौर्य की जीत थी, यह भारत के अस्मिता की जीत थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए आज के दिन हम सब के लिए यह जहां हमें सुखद अनुभव देता है कि हमने विजय हासिल की, वहीं अपने वीर शहीदों को भी याद करता है जिन जाबाजों ने अपना जान की आहुति लगा करके इस देश की रक्षा की। अभी हमने छोटी सी फिल्म देखी, आपने देखा किस तरीके से हमारे जाबाज शौर्य के साथ देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे और उन्होंने विषम परिस्थिति में कठिन लड़ाई लड़ करके तिरंगा झंडा अपना फहराया और विजय हासिल की। मित्रों, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि यह युद्ध किस प्रकार का युद्ध था। मुझे याद है कि मैं उस समय हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार में मंत्री था और मुझे याद है कि उस समय जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो आए दिन कोई ना कोई हमारा फौजी भाई शहीद होकर के वह शहादत के साथ तिरंगे से लिपटा हुआ हमारे किसी न किसी गांव में पहुंच रहा था, वो भी मैंने दिन देखे हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं
कि कारगिल का युद्ध, जैसे भारत हमेशा जानता है कि हम किसी पर युद्ध नहीं करते, हम किसी पर अटैक नहीं करते, लेकिन कोई अटैक करे तो उसको नस्तो नाबूद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। यह हमारा इतिहास। अगर 62 में हमने चीन से लड़ाई लड़ी, अगर 65 में हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, अगर 71 में हमने लड़ाई लड़कर के बांग्लादेश को स्थापित करते हुए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके फौजियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, तो वहीं कारगिल में भी भारत की फौजें पीछे नहीं रहीं और तिरंगा झंडा गाड़ करके भारत की रक्षा की। लेकिन ये लड़ाई हुई कैसे? ये पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आकर के टाइगर हिल पर बैठ गया और स्ट्रेटेजिक जगह लेकर के इसने भारत के जमीन पर, सरजमीं पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो हम विषम परिस्थिति में लड़ रहे थे। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर अपने आप को स्थापित कर लिया था, अपने आप को बंकर्स में बैठा करके सुरक्षित कर लिया था और नीचे से आने वाली फौजों पर अटैक करने के लिए संपूर्ण असला भी रख लिया था। यह लड़ाई विषम परिस्थिति की थी, उल्टी लड़ाई थी। हम नीचे से ऊपर बढ़ना था और उन्हें ऊपर से आने वाले, ऊपर से नीचे वाले को रोकना था, जो बहुत ही आसान था। लेकिन यह भारत के, हमारे फौज का पराक्रम था, परिश्रम था, जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और टाइगर हिल तक पहुंच करके तिरंगा झंडा फहराया और हमने वहां जीत हासिल की। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब आपको यह बता रहा हूं कि मेरे गांव में, हमारे गांव में आए दिन शहादत देने वाले नौजवान आ रहे थे, तो मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, वहां हर घर से कोई ना कोई हमारा फौजी भाई है, हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे प्रहरी हैं। हमने 62 के बारे में भी सुना है, मैं उस समय 2 वर्ष का था इसलिए मुझे ज्ञान नहीं था। 65 में थोड़ा थोड़ा ध्यान में आया, लेकिन 71 की मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब फौजी की शहादत होती थी तो उसका ट्रंक आता था, उसकी वर्दी आती थी, उसका कैप आता था, उसका आइडेंटिटी कार्ड आता था, लेकिन फौजी का पार्थिव शरीर नहीं आता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि अगर शहादत देने वाला हमारा शूरवीर योद्धा, वो किसी परिवार का नहीं है, वो किसी गांव का नहीं है, वो किसी प्रदेश का नहीं है, वो देश का है, सारा देश उसके साथ खड़ा हो। और तब से ये प्रथा चली कि शहीद वीरों का पार्थिव शरीर घर तक लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ सारा देश खड़ा होगा। इस बात को उस समय से हम लोगों ने शुरू किया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, बहुत सी बातें हैं जिस पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने फौज का उपयोग तो किया, लेकिन फौज को जो स्थान देना चाहिए था वो स्थान नहीं दिया। आज के दिन याद दिलाना ठीक नहीं है, लेकिन जब लोग राजनीति करते हैं तो मैं भी एक राजनीतिक दल का सदस्य हूं और उसका अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। ये ORP, वन रैंक वन पेंशन, ये 1971 में से लोग मांग रहे थे। पीढ़ियां रिटायर हो गई, 40 वर्ष बीत गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जाते जाते हमारे इलाके में कहते हैं पायता डालना, शगुन डालना। 500 करोड़ रुपए का शगुन डाल के बोला बजट में कि हम ORP ले आएंगे। आपने उनको 2014 में विदा कर दिया, मोदी जी को लेकर के आए
और वन रैंक वन पेंशन लागू किया, आज 1,25,000 करोड़ रुपए हमारे फौजी भाइयों को, एक सर्विसमैन को देने का काम वन रैंक वन पेंशन ने किया। उसी तरीके से मैं तो फौजियों के बीच में रहा हूं, पाकिस्तान का जब अटैक होता है पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, इन सारे इलाकों में जब गोलियां चलती हैं, और मैं तो कठुआ के बॉर्डर को भी देख करके आया हूं, जब मैं यूपीए के जमाने में जाता था तो फौजी जो वहां खड़ा होता था बॉर्डर पर और सामने मैदान होता था, ऊपर पहाड़ी होती थी, तो फौजी मुझसे कहता था, साहब आप ज्यादा देर यहां मत खड़े रहो, पता नहीं कब गोली चल जाएगी और आपको लग गई तो हमारे ऊपर बनाएगी, इसलिए आप ज्यादा देर यहां मत रहो, जाइए। जब मैं वहां जाया करता था और पूछा करता था तुम कैसे हो, तो कहता था मैं खड़ा तो हूं प्रहरी के रूप में लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं पूछता था कि तुम्हारे हाथ कैसे बंधे हुए हैं, तो कहता है कि हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है, जब गोली चलती है तो मैं नगरोटा को इन्फॉर्म करता हूं, नगरोटा चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता है, मैं फौजी भाषा में बात कर रहा हूं, और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता है, और दिल्ली इन्फॉर्म करता है रुको जब कहेंगे तब जवाब देना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जहां से गोली चले, जिधर से गोली चले, जब तक गोली शांत ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, ये हमने आज बदलता भारत देखा। और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर में किसी भी घोषित टेररिस्ट की उम्र 1.5 सप्ताह से ज्यादा नहीं है, 1.5 सप्ताह से ज्यादा नहीं। आप सुन रहे होंगे आज खबरें, कभी आतंकियों के लिए घेरा डाला, 2 दिन बाद आप सुनते होंगे 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, यानी अब हम रुकते नहीं हैं जब तक हम मामला समाप्त नहीं करते, ये आज भारत है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां जब आपसे इस बारे में चर्चा कर रहा हूं तो मैं बहुत सी बातें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन कुछ बातों की तरफ तो जरूर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। यही फौज थी, इसी फौज के बारे में एक समय में एक डिफेंस मिनिस्टर कहता था कि चाइना के सामने सड़क ना बनाना ये इसलिए है कि उनको आने में सुविधा ना हो, इसलिए हम सड़क नहीं बनाते, यानी ये मान लिया था कि वो आने के लिए तैयार बैठे। आप देखिए क्या सोच थी। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए, आप लोग आए दिन सुनते होंगे मिग प्लेन हमारे प्रैक्टिस में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ऑब्सोल्यूट हो रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब भी हम कोई प्लेन खरीदने जाते थे तो प्लेन की चर्चा बाद में होती थी, घोटाले की चर्चा पहले हो जाया करती थी। और आज मुझे खुशी है कि 36 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स आज इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हैं, मोस्ट मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट आज मोदी जी के नेतृत्व में है। 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं, 15 चीनुक हेलीकॉप्टर्स आज हम लोगों ने खरीद लिए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल और वो MRSAM यह भी हम लोगों ने हासिल कर ली है, 145 अल्ट्रा लाइट हाउजर भी हम लोगों ने खरीदे हैं, 100 KN वज्र आर्टिलरी गन्स यह भी हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, और 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम लोगों ने लिए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, यह आज परिस्थिति आकर के खड़ी है। 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स को रिप्लेस कर दिया गया है, यह असॉल्ट राइफल्स हमारे पास 22 साल पुरानी थी। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं बॉर्डर एरिया के बारे में कि लगभग 14,450 मीटर्स की
बॉर्डर पर ब्रिजेस बने हैं, डबल लेन ब्रिज बने हैं। आप सब लोग वहां, आप लोगों ने देश की रक्षा की है। आपने वो तस्वीर देखी होगी जब आर्मी का कॉन्वॉय जाता था तो आगे वन टनर होता था जिस पर हरी झंडी होती थी, और 50 थ्री टनर और टू टनर और वन टनर के पीछे एक लाल झंडी वाला चलता था टनर, और सारी सड़क को रोक दिया जाता था, ब्रिज को रोक दिया जाता था, तब क्रॉस करते थे। आज हजारों 4000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक बनकर के तैयार हुई है, ऑल वेदर रोड बनकर के तैयार हुई है, और आज हमारे फौज 1.5 दिन के अंदर बॉर्डर पर पहुंच सकती है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। दरभुक श्योक दौलताबेग ओल्ड डिप रोड जो है वह अभी कंप्लीट हो गई है। 45 किलोमीटर की जो सिवोक रैंकपोल रेल लिंक है उस पर भी टनलिंग का काम चल रहा है 93 किलोमीटर का। यानी भारत की रक्षा को मेन स्ट्रीम कर पर लाने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज 5 स्क्वाड्रंस के लगभग 400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हम लोगों ने ट्रैक किए हैं, मिसाइल ट्रैकिंग शिप वो भी हम लोगों ने बनाई है, इंडिजिनस वॉरशिप वो भी भारत के पास है। ये भारत का शौर्य, ये भारत का गौरव ये हासिल हुआ है, इसको भी हमारे ध्यान, हम सब लोगों के ध्यान में है। इसलिए जब हम कारगिल दिवस मना रहे हैं तो उसमें हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हम अब खरीदते कम है और दुनिया को देते हैं। 88,319 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी स्थिति बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम देश के साथ, फौज के साथ, किसी के साथ राजनीति नहीं करते हैं। देश हित हमारे सामने है। दुनिया के सारे रिपोर्ट्स ने और भारत के सारे रिपोर्ट्स ने कहा था कि भारत की फौज और जवान होनी चाहिए, यंग फौज होनी चाहिए, और अग्निवीर उसी लक्ष्य को पूर्ति करने का रास्ता रहा है, और इसीलिए आज हमारी फौज यंग फौज बन रही है जो फाइटिंग स्पिरिट के साथ देश की रक्षा कर सके और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि जब हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती, और राजनीति देखते देखते वो देश भूल जाते हैं और उनके लिए राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है और अपने आप को बढ़ाना यही उनका उद्देश्य बन जाता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो भी फैसले प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं, अग्निवीर के बारे में सभी लोगों ने बताया है कि किस तरीके से हमारी फौज नौजवान भी होगी, देश की रक्षा भी कर पाएगी, और इसके साथ साथ अग्निवीरों को अपने जीवन में ठीक ढंग से सेटल करने के लिए उनको भी इंप्लॉयमेंट का पूरा स्कोप दिया जाएगा, इस बात को बार बार कहा गया है। हमारी प्रदेश सरकारें उनको, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारे पुलिस फोर्सेस हो, सभी अग्निवीर को एडजस्ट करने के बारे में और उनको आगे लाने के बारे में कहा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए राजनीति को सर्वोपरि कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्रास गए, हमारे संजय सेठ जी द्रास गए।